हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग सही होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि आज की वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है वट सावित्री व्रत, जो कि मैरिड वुमेन्स रखती हैं अपने फैमिली के लिए और अपने हस्बैंड के लिए। तो आज मैंने भी रखा है, इसलिए मैंने सोचा इसी टॉपिक को कवर कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने करवा चौथ व्रत के बारे में सुना होगा, वैसे ही इस व्रत को भी हस्बैंड एंड फैमिली के लिए ही लिया जाता है। करवा चौथ में चांद की पूजा करके व्रत पूरा होता है, वैसे ही वट सावित्री में वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ की पूजा करके ये व्रत पूरा होता है। चांद के लिए आपको रात तक रुकना पड़ता है, लेकिन वट सावित्री में आप कभी भी दिन में जाकर सुबह जाकर वट की पूजा कर लीजिए, आपका व्रत जो है पूरा हो जाता है। इस व्रत की क्या मान्यता है और क्यों इस व्रत को लिया जाता है, आप अभी सुनेंगे। वट सावित्री की जो कथा सुनाई जाती है उसमें बताया जाएगा ये व्रत कैसे शुरू हुआ था और इसकी क्या मान्यता है। अभी हमने घर पे पूजा कर ली है, तो चलिए आपको दिखाते हैं हम क्या क्या ले जाने वाले हैं बरगद की पेड़ की पूजा करने के लिए और कैसे हमने पूजा की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो घर पे पूजा कर ली है हमने, ये रहा हमारा मंदिर। अब हम जा रहे हैं बरगद के पेड़ पे वट वृक्ष में पूजा करने के लिए। तो अभी कुछ ज़्यादा बना नहीं है मॉर्निंग में, इसलिए फल, पिठियाँ, धूप और वहाँ पे दिया जलाने के लिए बत्ती, ये चीज़ें लेके जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको बरगद के पेड़ पे। सबसे पहले हम जलाएंगे दिया। थोड़ा सा सबसे पहले हम जलाएंगे दिया पेड़ के लिए, फिर हम करेंगे पिठियां, यहाँ पे पूजा करने के बाद बरगद के पेड़ की उसकी 7 परिक्रमा की जाती है। तो वही यहाँ पे मैं कर रही हूँ, 7 बार इसकी परिक्रमा करूँगी, बस फिर इसकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो परिक्रमा पूरी हो गई है। ये है हमारी सोसाइटी का कुत्ता स्कूबी, तो ये हमारे पीछे पीछे घूम रहा था, तो इसलिए मैंने इसको भी टीका लगा दिया।
पेड़ की पूजा पूरी हो चुकी है, अब हम चलते हैं घर, फिर सुनेंगे व्रत कथा। तो चलिए हम जब तक घर जाते हैं, आप हमारी लास्ट ईयर की जो वीडियो थी जब मेरा भाई भी यहाँ था पुणे में, वो वीडियो के थोड़े से ग्लिम्प्स देखिए तो आपको भी हंसी आएगी हमने कैसे लास्ट ईयर का व्रत मनाया था। तब तक आप वो देखिए, हम तब तक घर पहुँचते हैं। ओम जलमर्गम समर्पयामि, पुष्पामर्गम समर्पयामि, ओम नमो नमो नमः, ओम गणेश जी का ध्यान करें, ओम गण गणपते नमो नमः, ओम शिव जी का ध्यान करें, ओम ब्रह्मा विष्णु महेश नमो नमः, ओम 33 कोटि देवी देव्यो नमः, ओम श्री गणाधिपति नमो नमः, सूर्य देव की जय हो, सूर्य देव की नमो नमः, वट भगवान का ध्यान करें, वट रक्षय नमो नमः, ओम गोलजू देव नमो नमः, ओम गंगनाथ देव नमो नमः, ओम झाकर सैम देव नमो, ओम सैम देवताय नमो नमः, ओम जागेश्वर धाम की जय हो, ओम नंदा देवी की जय हो, गर्जा देवी की जय हो, ओम पूर्णा देवी की जय हो, ओम वैष्णो देवी की जय हो, ओम लक्ष्मी देवी की जय हो, सरस्वती देवी की जय हो, ओम नमो नमः। शिष्टा कांडपाल, पति सुवेश कांडपाल, गोत्र भारद्वाज, ओम नमो नमः। अपनी कृपा बनाए रखें गणेश भगवान आप सभी के ऊपर। ओम दाम्पत्य जीवन को, वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाए, भांजे और भांजी की प्राप्ति हो, ओम नमो देवी देव्यो नमः। ओम इस जोड़े को कोरोना से बचाए, ओम नमो नमः, ओम दुनिया में शांति लाए, गणेश भगवान हर जगह आए। क्लॉकवाइज करा जाए, यही है क्लॉकवाइज। ओम नमो नमः। भरजी थोड़ा आगे आए, तो अब हम वट वृक्ष की पूजा करके वापस आ गए हैं। अब इसके बाद क्या होता है, वट की पूजा के बाद पंडित जी आपको कथा सुनाते हैं और व्रत जो है पूरा हो जाता है। फिर दिन में आप कभी भी एक टाइम व्रत वाला खाना खा के व्रत को पूरा कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग पुणे में हैं तो ऐसे कुछ पंडित जी मिल नहीं पाए, तो जो कथा है वो मुझे यही सुनाएंगे। तो चलिए आप व्रत की कथा को सुनते हैं। तो कथा पालन करते हैं। सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था। नारद जी ने उन्हें बताया कि सत्यवान अल्पायु है, तो सावित्री अपने निर्णय से डगी नहीं, वो समस्त राज वैभव त्याग कर सत्यवान के साथ उनके परिवार की सेवा करने के लिए चली गई। जिस दिन सत्यवान के महाप्राण का दिन था, उस दिन वह लकड़ियां काट रहे थे, वहां मूर्छित होकर गिर गए। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। 3 दिन से उपवास में रह रही सावित्री उस घड़ी को जानती थी, अतः बिना विकल किए उन्होंने यमराज से सत्यवान के प्राण न लेने की प्रार्थना की, लेकिन यमराज नहीं माने। तब सावित्री उनके पीछे पीछे ही जाने लगी। कई बार मना करने के बाद भी वो मानी नहीं, तो सावित्री के साहस और त्याग से यमराज प्रसन्न हुए और कोई 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने सत्यवान के दृष्टिहीन माता पिता के नेत्रों की ज्योति मांगी, उनका छिनावा राज मांगा और अपने लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। तथास्तु कहने के बाद यमराज समझ गए कि सावित्री के पति को साथ ले जाना संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सावित्री को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया और सत्यवान को छोड़ के वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उस समय सावित्री अपने पति को लेके वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, इसलिए इस दिन महिलाएं अपने परिवार और अपने जीवन साथी की दीर्घ आयु की कामना करती हैं और वट वृक्ष के नीचे पूजा करती हैं। तो अभी आपने सुनी वट सावित्री व्रत की कथा, जिसमें बताया गया कि व्रत क्यों लेते हैं और इसकी क्या मान्यता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है
फैक्ट्स ऑफ घोस्ट जो कि आएगी संडे को। तो चलिए संडे को मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।